सुती है सदोसुताना करेगा हमको। ओके सो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस इंस्टाग्राम पे अभी के वक्त में बहुत ही ट्रेंड में चले थ्री फ्रेंड्स रील्स एडिटिंग। तो गाइस देख सकते हो तीनों फ्रेंड के नेम यहाँ पे लिख सकते हो। और इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ गर्ल्स जो होते हैं गर्ल्स फ्रेंड्स उनकी फ्रेंड लोगों के लिए गर्ल्स लोग कैसे आप लोग उनकी फ्रेंडशिप के रील्स क्रिएट कर सकते हो वो भी टी शर्ट में नेम लिखकर इस टाइप से। सो इस वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी क्रिएटर गर्ल्स लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा है, मैंने आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। सो गाइस सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ से आप लोग लिखना है trediz.com। तो यहाँ से जैसे ही लिखोगे तो देख सकते हो मैं जैसे लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखना है। तो यहाँ से इसको लिख कर यहाँ पे सर्च कर लेना है। देख सकते हो इस टाइप का वेबसाइट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है लिंक पे क्लिक करके। और यहाँ से आप लोग सर्च सेक्शन मिलेगा गाइस, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सर्च में आप लोग लिख लेना है बेस्ट AI। ओके तो बेस्ट लिखोगे तो आ जाएगा। तो जैसे ही सर्च करोगे तो थ्री बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहला पोस्टर मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि गर्ल्स लोगों के लिए क्या प्रॉम्प्ट होने वाला है, क्या जो है क्या बोलते हैं टेक्स्ट होने वाले, जो टेक्स्ट लिख कर आप देख सकते हो गर्ल्स लोगों के लिए मैंने लिख रखा है। अभी उसी टेक्स्ट को लिख कर आप लोग गर्ल्स लोगों के लिए टी शर्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी आप लोग फ्रेंड लोगों के साथ। तो यहाँ से क्रिएट योर नेम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे बींग इमेज क्रिएटर में। ओके यहाँ पे आप लोग को ID क्रिएट करने को बोलेगा। तो अगर आप लोग पास ID नहीं है तो गाइस आप लोग ID क्रिएट कर सकते हो Gmail से एक ही क्लिक में। अगर ये वाला वीडियो आप लोग देख लोगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है, उसको आप लोग देखकर ID क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग टेक्स्ट ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो टेक्स्ट है देख सकते हो नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर कट करके आप लोग आप तीनों फ्रेंड की नेम लिख सकते हो, कोमा दिया गया है देख सकते हो। सो गाइस वहाँ पे क्लिक करके इस सभी टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिएगा। ये टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। सो तीनों फ्रेंड की नेम लिख सकते हो। ये जो है बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए मैं आगे जाके बताऊंगा। देखो आगे जाके मैं कैसे करता हूँ और टेक्स्ट देता हूँ आपको। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्रिएटिंग करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट चालू हो चुका है। तो यहाँ से नीचे जो है लोडिंग चल रही है, आप लोग यहाँ पर वेट करना है। जैसे ही वेट करोगे आप लोग आगे पास फोटोज़ आ जाएंगे, वो भी अपने नेम की और टी शर्ट वगैरह भी लिखा हो चुका होगा। सो गाइस सबसे पहले उसके ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर देना होगा उस फोटो को। और वीडियो एडिटिंग जो है सबके लिए सेम होगा, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए। तो एक ही फ़ोटो में मैं कर दूंगा, तो आप लोगों को बस फोटो को इधर उधर करके ऐड करना होगा। तो गाइस फोटो में क्लिक करके यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर देना है। ओके देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। सो जैसे ही डाउनलोड कर देंगे सो गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट मैं अभी गर्ल्स के लिए बनाऊंगा। देखो सो ये जो सभी टेक्स्ट को मैं कट कर दूंगा, तो ये टेक्स्ट जो है गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। सो देख सकते हो यहाँ पे देखे सिप्रा मोनिका चिंकी लिखा हुआ है। तो इस तीनों टेक्स्ट को आप लोग कट करके अपनी नेम लिख सकते हो गर्ल्स लोग। ओके तो अपने फ्रेंड लोगों के नेम लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सोना, यहाँ पे कुछ भी नेम लिख देता हूँ। ओके सो यहाँ से सेकंड नेम जो है आपको लिख देना है, जो भी आप लोगों का फ्रेंड्स वगैरह के नेम है। तो गर्ल्स फ्रेंड्स जो होते हैं उनके नेम आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे कोई भी नेम हम लोग लिख लेते हैं, रितिका करके एक नेम है उसको आप लोग लिख देना है। या फिर आप लोगों के फ्रेंड वगैरह के जो नेम होते बस यहाँ पे देखो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट दिया गया है ब्रैकेट के अंदर ही आप लोगों का नेम रहेगा। ओके तीनों नेम आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे ही तीनों नेम यहाँ पे लिख देंगे फिर यहाँ पे इस डिजाइन से लेके सारा का सारा टेक्स्ट को कॉपी कर देना है। ओके सो कॉपी करके आप लोगों को पेस्ट कर देना होगा जो बींग इमेज क्रिएटर में। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ भी मैंने नेम लिख दिया है रैंडम, आप लोगों को अपनी फ्रेंड लोगों की नेम लिखना है। तो यहाँ से सिंपली इसको कॉपी कर देना है ऐसे ही, और यहाँ से कॉपी करके चले जाना है बींग इमेज क्रिएटर में। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके पेस्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। सो देखते हैं गर्ल्स लोगों के लिए कैसे फोटोज़ आते हैं। सो यहाँ से आप लोगों को लोडिंग चलने लगेगी, आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है। सो जैसे ही वेट करेंगे तो आप लोगों की फ़ोटो बन के तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन्स चल रही है, तो ये जो है लोडिंग चल रही है। तो आप लोग यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। सो देख सकते हो फोटोज़ आ चुके हैं। तो ऐसे कोई सा भी फ़ोटो पे आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से 2 फोटो आ चुके हैं। आप लोग अपने लिए और भी फोटोज़ क्रिएट करना चाहते हैं फिर से आप लोग क्रिएटिंग ऊपर क्लिक करिए। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग चालू हो जाएगा क्रिएट होना। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं कोई सा भी फ़ोटो को।
और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ आप लोगों के सामने आ जाएंगे, तो आप लोग कोई सा फ़ोटो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सो यहाँ पे देख ही सकते हैं और बहुत सारे फ़ोटो आएंगे आप सामने, तो देख सकते हो तीनों फ़ोटो और भी आ चुके हैं उसी नेम से। तो देख सकते हो कोई सा भी फ़ोटो पर हम लोग क्लिक करके इसे थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ओके सो यहाँ से देख सकते हो थ्री डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। मैं सेकेंड वाला फ़ोटो में चूज़ करता हूँ, तो ये वाला फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। और बस यहीं से आप लोगों की नेम जो ऐड करना होता है वो हो चुका है। अभी आप लोगों को गाइस क्या करना होगा, वीडियो एडिटिंग करना होगा। तो गाइस वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को VN वीडियो एडिटर में जाना है और कैपकोड का यूज़ करना है और सुपर VPN कैपकोड को ओपन करने के लिए VPN की ज़रूरत पड़ी उसे यूज़ करिएगा। सो सबसे पहले VN वीडियो एडिटर को ओपन करना है। अगर आप लोगों के पास VN वीडियो एडिटर नहीं है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, फोटो में जाएंगे, तो यहाँ से आप लोगों का फोटो जो है उसके आप लोग सिलेक्ट कर देना है। ये देख सकते हो यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर देंगे। तो वीडियो एडिटिंग दोनों के लिए सेम ही है, गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, तो आप लोग एक ही स्टेप में कर सकते हो। सो इस फोटो का ड्यूरेशन देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कर देना होगा, या फिर 12 से 15 सेकंड तक आप लोग कर देना होगा। ओके जितना ज़्यादा ड्यूरेशन रखोगे आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत ही अच्छा होगा। सो सिंपली ज़्यादा ड्यूरेशन रखिएगा और उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नीचे ओरिजिनल पे क्लिक करके 9:16 रखिएगा और इस फोटो को ऐसे कर देना है फ्रेम के अकॉर्डिंग। और यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना है, BG करके एक टेक्स्ट लिखा होगा, BG, तो BG पे क्लिक करना है और इमेज पे क्लिक कर देना है और ये इस टाइप से ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड, तो इसको हल्का सा कम कर देना है और इसे आप लोगों को डन कर देना है। ओके देख सकते हो कुछ इस टाइप के आप लोग वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। सो इस वीडियो को आप लोगों को एक्सपोर्ट कर देना है, इस फोटो को फुल फ्रेम में रख इतना रख लेते हैं फिट करके, और इस फोटो को आप लोगों को एक्सपोर्ट कर देना है ऊपर में एक्सपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करके। तो यहाँ से 1080p रख सकते हो, आप लोगों की क्वालिटी जितना रखना चाहते हो रख सकते हो। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को इस फोटो को एक्सपोर्ट कर देना, वीडियो को एक्सपोर्ट कर देने के बाद सुपर VPN डाउनलोड कर देना है, प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री है, आप सब जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो इस VPN को डाउनलोड कर देने के बाद आप लोगों को कनेक्ट कर देना होगा। सो जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन पानी की तरह चलेगा। तो आप लोगों के पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो गाइस नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे मैंने पिन कर रखा है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए करें। सो उस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पिन कर रखा है, वहाँ पे जाके आप लोग कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले गूगल में आ जाना है। सो गूगल में आकर यहाँ पे लिखना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। ओके इसको लिख देना है, वो बैटरी डाउन हो गया कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। सो यहाँ पे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे ही आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यूज टेम्पलेट इन कैपकट, वहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है। सो जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिल जाए करेगा, डायरेक्ट आप लोग ले जाएगा कैपकट एप्लीकेशन में, रिडायरेक्ट कर लेगा। कैपकट को इंस्टॉल करके रखिएगा पहले ही, तो उसके बाद यहाँ से यूज टेम्पलेट ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक करोगे आप लोगों को फोटो एंड वीडियो ऐड करने का ऑप्शन बोलेगा, तो आप लोगों को यहाँ से वीडियो पे क्लिक कर देना है। ओके तो यहाँ से फोटो ऑप्शन भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा, तो यहाँ से वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से वीडियो पर क्लिक करके जो भी आपने VN एडिटर से एक्सपोर्ट किया था उसी को ऐड कर देना है। ओके तो देख सकते हो वीडियो ऐड हो चुका है। तो फिर क्या यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा ऊपर की ओर, वहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ये देख सकते हो पूरा का पूरा वीडियो कैपकट में टेम्पलेट ऐड हो जाएगा, इस टाइप का जो एनिमेशन आप लोगों ने थंबनेल और प्रीव्यू में देखा था बिल्कुल उसी टाइप का एनिमेशन आप लोगों को हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट में क्लिक करके एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वहाँ पर क्लिक करिएगा, आप लोगों का वाटरमार्क नहीं आएगा। फिर आप लोगों को कैपकट का न्यू प्रोजेक्ट में जाना है बैक करके और उसी वीडियो को फिर से ऐड कर देना है जो वीडियो अभी अभी एक्सपोर्ट किया। सो उसको ऐड कर देने के बाद गाइस आप लोग क्या करना है, सिंपली ऑडियो पे क्लिक करना है, ब्लैक पेज को गाइस आप लोग डिलीट कर देना है। अगर आप लोग ट्रेंडिंग सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो आप लोग वो ऑडियो पे क्लिक करके फाइल में जाना है और यहाँ से वायरल वीडियो पे क्लिक करके ट्रेंडिंग सॉन्ग को यहाँ पे ऐड कर देना है। ट्रेंडिंग सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब जाके
ये वाला वीडियो पे डाउनलोड कर लीजिएगा और इस टाइप से वीडियो बन के आप लोग का तैयार हो जाएगा। सो यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा और वीडियो को चाहते जाते हमारे एक वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा और दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पे सेट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे कोई अलग ट्रेंडिंग सॉन्ग मिलता है उस ट्रेंडिंग सॉन्ग पे जाके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ से वीडियो बन के आप लोग का तैयार हो चुका है। सो यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। सो मिलते हैं यहाँ से सही वायरल एडिटिंग में।